इज मौसम, मैं स्वागत करती हूँ आपका एट्थ में। मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर एज यूजुअली, आपको पता ही है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और बहुत ही इजी भी है अगर मैं बात करूं तो। और सीटेट पेपर वन पेपर टू दोनों में ही इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर वन में तो हर साल दो या एक एक तो पक्का ही है, दो क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की यानी परिमाप की, देखो ध्यान से समझना, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या निकालना है इसमें, पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है। कोई भी फिगर ले लो आप, मान लो कोई भी ये फिगर ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर रेक्टेंगल कुछ भी लगा लो, लेकिन स्क्वेयर में ही लग रहा है, ठीक है, स्क्वेयर ले लिया मैंने एक स्क्वेयर। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर क्या होगा, ये जो इसके चारों तरफ का वो है, चारों तरफ की जो इसकी बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं भाई, पेरीमीटर। इस बाउंड्री को, इस पूरी बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। आई बात समझ में आता है कि पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री होती है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको बोलेंगे पेरीमीटर। अब मैं इसी फिगर के एरिया की बात करूं, इसी फिगर के एरिया की बात करूं तो एरिया होगा जो इसके अंदर का स्पेस होगा। एरिया क्या होगा बच्चों, जो इसके अंदर का स्पेस होगा वो होगा एरिया। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, ठीक है, किसी भी फिगर की, किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं आप, पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, जितना स्पेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड, लिख लो डेफिनेशन अगर लिखनी है तो, द स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब इसमें कितनी जगह घेरी हुई है बाई ए फिगर, बाई ए फिगर कितनी जगह इसमें घेरी हुई है, ये है इसका एरिया। आई बात समझ में कि पेरीमीटर क्या होता है यानी परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। पेरीमीटर आप पेरी से भी पता कर सकते हो, पेरीवर का मतलब ऐसे चारों तरफ, ठीक है, परिमाप मतलब उसको बाहर बाहर से चारों तरफ से नापना, ठीक है। और एरिया क्या होगा, जो जितना स्पेस, जितनी जगह उस किसी भी फिगर ने घेरी हुई है, जितनी जगह किसी भी शेप ने घेरी हुई है, ठीक है। आप इन शेपों को छोड़ो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, इसका एरिया क्या होगा, जितनी जगह इसने अंदर की तरफ घेरी हुई है, अंदर की तरफ, ये क्या है इसका एरिया। और जो इसकी बाहर की लाइनिंग है, ये क्या है इसका पेरीमीटर, ये क्या है बच्चों, पेरीमीटर। आई बात समझ में आता, पता चल गया सबको। देखो अगर क्वेश्चन में पूछ ले, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर बाहर किसी के तार लगाए हैं, फेंसिंग की हुई है ना, एक गार्डन के चारों तरफ या पार्क के चारों तरफ फेंसिंग की यानी तार लगाए हुए हैं, तो हम उसमें क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकलेगा, क्योंकि उसके बाहर बाहर चारों तरफ की हुई है ना जो भी चीज की हुई है उसने, तो उसमें क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर यानी परिमाप। अब पता चल गया आपको यहां तक कि क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। अब हम बात करेंगे फिगर्स की, कर दो इसको रेज भाई, आगे समझ में आता। फिगर्स की बात करूं अगर मैं कि स्क्वायर का क्या होता है, ये है स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4a, यानी स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है भाई। तो पेरीमीटर को सिंपल लैंग्वेज में किसी का भी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी फिगर की जितनी भी साइड होंगी ना उन सबका सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है भाई, ठीक है, किसी भी फिगर की सारी साइड्स का सम क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। तो अगर इसकी ये चारों साइड ए ए ए है,
तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है इसका, a इंटू ए यानी a स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर। ठीक है, क्या होता है साइड का स्क्वेयर। आगे बात समझ में आता है। और इसका क्या होता है अगर मैं बात करूं, इसका ये क्या है डायगनल, ये क्या है इसके डायगनल। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है एरिया का, डायगनल का स्क्वेयर बाई टू, डायगनल का स्क्वेयर बाई टू। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है बच्चों, डी की वैल्यू क्या है भाई डायगनल, डी की वैल्यू क्या है डायगनल। आई बात समझ में यहां तक। अब हम देखते हैं कुछ फिगर्स बताऊंगी मैं आपको कि उनके नेक्स्ट में देखते हैं कुछ फिगर्स बताऊंगी कि उनके हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिख रहा है यहाँ पे सबको विजिबल है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्राइंगल की। ठीक है, ये क्या है 2D शेप्स बोलते हैं इनको, इन सबको क्या बोलते हैं 2D शेप्स बोलते हैं भाई। 2D का क्या मतलब है, 2D का मतलब है ध्यान से देखना 2D शेप्स। डी का मतलब क्या होता है डायमेंशन, डी का मतलब क्या होता है डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होता है यानी लेंथ और ब्रेड्थ। जिस फिगर में सिर्फ ये ही दो हो, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है लेंथ हो ब्रेड्थ हो, उन सबको क्या बोलते हैं हम टू डायमेंशन शेप्स, उनको क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप्स। आई बात समझ में, लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है। सबसे पहले मैं बात करूं हम ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप ट्राइंगल क्या होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, तीनों साइड लगा लो इसके ए बी सी कुछ भी लगा लो, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ, यहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हो, इसलिए पहले से ही मैंने बना हुआ है कि बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले से ही बना हुआ है। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं भाई, देखो यहाँ पे लिखूंगी पेरीमीटर और यहाँ पे लिखूंगी एरिया, पेरीमीटर और ये है एरिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ इट साइड्स। तो इसकी कितनी साइड दिख रही है आपको यहाँ पे ए बी सी, यानी क्या हो जाएगा तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी। आई बात समझ में आता है, आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इसके सेमी पेरीमीटर की बात करूं, एक होता है पेरीमीटर एक होता है सेमी मीन्स आधा, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसका a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये होता है इसका सेमी पेरीमीटर। आई बात समझ में आता है। ठीक है बच्चों, और ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये होता है बेस, ये होगी हाइट। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। नेक्स्ट फिगर की बात करूं, नेक्स्ट क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में आपको जब ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगी ना तो पूरे प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, स्केलन क्या होते हैं, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, साइड्स के बेस पे भी और एंगल्स के बेस पे भी। फिलहाल हमें एरिया और पेरीमीटर में ही कुछ मेन चीजें हैं जिनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको एक थोरली बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे एरिया और पेरीमीटर के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं हमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल होती है। आई बात समझ में भाई, यहां तक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर सिंपल क्या होता है साइड्स का सम, जितनी भी साइड है सबका सम, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा रूट, ये याद करने का है भाई, रूट 3/4 a² रूट 3/4 a² दिख रहा है सभी को, रूट 3/4 a² ये फॉर्मूला है ट्रायंगल, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, याद कर लेना इसको अच्छे से। अब मैं बात करूं तीसरे फिगर की, तीसरा फिगर क्या है स्क्वेयर, स्क्वेयर का मैंने अभी आपको बताया, स्क्वेयर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × में साइड, यानी क्या होता है 4a, और एरिया क्या होता है साइड का स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर। ठीक है, साइड का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर। अब रेक्टेंगल की बात करूं, ये रेक्टेंगल की यहां पे देखो, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, ये रेक्टेंगल की
ये है ब्रेड्थ और ये है एल। रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेलल साइड्स होती है टू, ठीक है। पैरेलल मतलब ये ब्रेड्थ ब्रेड्थ ये दोनों इक्वल होंगे, लेंथ लेंथ ये दोनों इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है टू। अब चारों साइड को करोगे, देखो कैसे निकल के आया है वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखना। रेक्टेंगल का जो चारों साइड क्या है इसकी, बी है, एल है, फिर से बी है, फिर से एल है, तो क्या बन गया, टू बी प्लस टू एल बन गया। इससे ये निकल के आया टू बी प्लस एल, टू एल प्लस बी कुछ भी लिख लो, ठीक है, टू बी प्लस में एल, ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। उसके बाद इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई, हाँ पढ़ा है ना, फोर्थ फिफ्थ से ही पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। आई बात समझ में, यहाँ तक आ रही है सबको बात समझ में, कि क्या होते हैं फिगर्स के कुछ एरिया क्या होते हैं, पेरीमीटर्स क्या होते हैं, ये सब याद करने की टर्म है। अब इन सब चीजों को याद रखना है, जैसे आगे इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो बढ़ू अब आगे, आगे यहाँ तक सबको समझ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे जो बचे हुए फिगर्स है उनका भी बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो क्या है, दो साइड है ए और बी, तो इसका भी सेम पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर क्या होगा इसका, इसका पेरीमीटर होगा टू एल प्लस बी, वही होगा सेम, दोनों साइड्स पैरेलल होती है, दोनों साइड्स पैरेलल होती है। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होगा, ये जो बेस होता है इंटू में ये वाली हाइट, ठीक है। और मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, टेंशन मत लो, कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो सब आपका अलग से टॉपिक है ज्योमेट्री में, लेकिन फिलहाल एरिया और पेरीमीटर के लिए आपको ये सब चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम क्या होता है, इस शेप का होता है, इसकी क्या होती है, दो पैरेलल साइड्स होती है, ए और बी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये दोनों पैरेलल साइड्स होती है, इक्वल होती है, और एच होती है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। इसकी जो ए और बी ये दोनों साइड्स होती है ना, इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर वही होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है, कौन सी है, ए प्लस बी इंटू में हाइट। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये दोनों साइड्स हैं पैरेलल होती है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है, तो इसका पैरामीटर तो ये होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू में हाइट, हाइट क्या है, ये डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की। अब आगे बात करूं, साथ के साथ नोट करते रहना भाई, इनको आगे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। सर्कल की बात करूं, सर्कल का पेरीमीटर या फिर उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर, क्या होता है, टू पाई आर, याद रखना। और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। और रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर के हाफ होती है। देखो ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, यहां से यहां तक पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, तो इसकी हाफ होती है, तो आर की वैल्यू डी बाई टू होती है। अब यहाँ पे एक और फिगर लगा लो, दिया नहीं हुआ है, देखो मैं बना देती हूँ यहीं पे, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है जैसे स्क्वेयर की होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे सारे एंगल्स कट करते हैं, ये है रोम्बस, ए बी सी डी। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, इसकी क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। रोम्बस की पेरीमीटर क्या होता है, इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, फोर है, अगर मैं चारों साइड्स को ए ए ए मान लूं तो, ठीक है। आ रही है बात समझ में यहां तक, इसका पेरीमीटर होता है फोर है, और इसका जो एरिया होता है रोम्बस का, जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू में डी वन इंटू में डी टू। ये डायगोनल है डी वन, ये है डी वन, ये है डी टू, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का हाफ इंटू में डी वन इंटू में डी टू, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आ रही है बात समझ में यहां तक भाई, सभी को समझ आ रहा है, चलो अब इसके ऊपर है ना नेक्स्ट।
क्वेश्चंस करते हैं, तो जब तुम्हें बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। आज वही क्वेश्चन है सारे। हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर। पूछा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले छोटे 48 वर्गों को हम कितने प्रकार से अरेंज करें, कितने प्रकार से व्यवस्थित करें कि जो क्षेत्रफल आए उसका जो एरिया आए वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आए। मतलब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 48 ही आना चाहिए हमें, ऐसे दो वो देखने लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसी देखनी है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर का हेड क्या होता है रिजल्टिंग इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स। देखो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं कि उनका रिजल्टिंग जो है वो क्या है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरेंज करने की, बात बोली है इन्होंने कि अरेंज किस किस वजह से कर सकते हैं। 1 × 48 कर सकते हैं तो एरिया क्या आएगा 48 आएगा। 2 × 24 करो तो भी एरिया क्या आएगा 48 ही आएगा। 3 × 16 करूं तो भी क्या आएगा 48 आएगा। 4 × 12 करूं तो भी क्या आएगा बच्चों 48 ही आएगा। अब कुछ बचा 6, 6 × 8 करूं तो भी क्या आएगा 48 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये नहीं है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 छोटे छोटे स्क्वायर हैं और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8 छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो 6 × 8 क्या हो गया 48। इसका मतलब है यहाँ पे 4 छोटे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 12 छोटे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। मतलब सिर्फ हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी राइट ऑप्शन कौन सा है 5 वेज है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, कैसे करने हैं ऐसे वाले हमें 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले क्या छोटे छोटे 48 स्मॉल स्क्वायर्स लेने हैं। यानी यहाँ पे 1 की जगह ये तो 1 के छोटे छोटे 48, अगर मैं 1 को 1 ले लूँ, 1 को 48 ले लूँ तो भी इतना ही आएगा, 1 को 2 ले लूँ, 1 को 24 ले लूँ तो भी आए। यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अंदर वैल्यूज रख के देखनी है। ठीक है, 3 × 16 कर दूँ तो भी इतना ही आएगा, 4 × 12, 6 × 8, तो वेज टोटल कितने हो गए बच्चों 5। कितने वेज हो गए टोटल 5। आई बात समझ में यहाँ तक? ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बदल जा। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच एरिया इज एनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। मतलब एक वर्ग के रूप में एक तार है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। एक वर्ग के रूप में ना एक तार है, मतलब जैसे कोई भी तार है वो किसकी शेप में है ऐसे स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तार आपको पता है, तार को आप सर्कल में भी कर सकते हो, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी। तार जो होता है आपने देखा होगा घरों में, क्या करता है वो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। एक तार है, उसका एरिया क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, अब पहले तो इसको किसके रूप में मोड़ा है स्क्वायर के रूप में है, अब इसको रेक्टेंगल यानी आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। इसकी क्या दी हुई है लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है भाई, चलो कैसे करोगे लगाओ, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओ, जल्दी से स्टार्ट करो, तुम्हें बेसिक तो पता ही है। सबसे पहले हमारे पास क्या स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी वो हमें दे रखा है इन्होंने, ए का स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है 144 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई भाई 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। बताया था ना आपको कि 25 तक के कम से कम स्क्वायर से याद कर लेना, अब काम आ रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 12। अब इसको है ना बाहर बाहर से ऐसे मोड़ा गया है, इसको मोड़ा गया है, तो हमें इसका पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जो इसका पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा, देखो
इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा, क्योंकि वो तार है, वो तार ही तो मोड़ा गया पहले स्क्वायर की शेप में, फिर इसकी शेप में। आइए बात समझ में यहां तक, रेक्टेंगल की शेप में, स्क्वायर की शेप में, तो इसका साइड क्या आ गई 12। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भाई 4a, यानी a की वैल्यू हमारे पास है 4 into 12 क्या हो जाएगा 48। इसका पेरीमीटर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब क्या बोला है कि कितना एरिया सेम वायर का कितना एरिया होगा रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में अगर उसको मोड़ा जाए तो उसका एरिया पूछा है हमसे। देखो ये जो 48 सेंटीमीटर है ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। ये क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल्स पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। किसके इक्वल है? जो स्क्वायर का पेरीमीटर है। दोनों का पेरीमीटर परिमाप तो इक्वल ही होगा ना, चारों तरफ एक ही तो तार है, वो उसी को मोड़ा जा रहा है। तो 2l की वैल्यू 16 है, b की हमारे पास है नहीं, निकालनी है, इज इक्वल टू 48। 16 प्लस बी करोगे 48 को नीचे ले जाओगे 24, यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। यहां से b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 8। इसको इरेज कर दो यहां से, इसको कर दो यहां से इरेज। चलो यहां कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कर लेते हैं। देखो l की वैल्यू है 16, b की है 8। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 16 इंटू 8, 16 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 8 128 आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं रहा, राइट ऑप्शन फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। देखो दोबारा से देखो उस क्वेश्चन को कैसे किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है एक तार है, उसको स्क्वायर की शेप में मोड़ा गया है, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया दिया है। तो हमें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर होता है, फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ से हमारी साइड आ गई, यहाँ से हमारी एक साइड आ गई। अब हमें उसका वो चारों तरफ बाहर ही तो लगाया गया है ना, बाहर ऐसे मोड़ा गया है, अंदर तो कुछ नहीं हुआ, तो उसका पेरीमीटर निकाल लिया। जो उस तार का पेरीमीटर होगा वही जो उस तार से, उस तार को मोड़ के जो रेक्टेंगल बनाया गया है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, वो किसके इक्वल आ जाएगा 48 के इक्वल। यहां से हम क्या b की वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, फॉर्मूले में रख देंगे दोनों की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में यहां तक सभी को? भाई समझ आ रही है या नहीं आ रहे बताओ, अच्छे से समझा पा रही हो? मेरे जो पॉइंट है बोलने का वो समझ आ रहा है आप सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। एक स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, क्या है वो 4 सेंटीमीटर है, और उसको 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट किया गया है, उसको 4 छोटे छोटे। देखो कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, ये पता है ये सारे क्वेश्चंस तुमने फिफ्थ क्लास में किए हुए हैं, फिफ्थ क्लास के मैथ्स में, फिफ्थ के और सिक्स्थ के, ठीक है। पेपर वन के हैं ये सारे, अभी पेपर टू के बाद में है, पहले पेपर वन के है। क्वेश्चन को पढ़ो तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, बना लो स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका क्या दिया है हमें, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी साइड है 4 4। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, 4 इक्वल स्क्वायर में काटा गया, यानी इसको क्या कर दिया बच्चों, इसको क्या कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है, ठीक। अब ये पूरी 4 थी, ये वाली जो पूरी है ये 4 थी, तो ये 2 हो गई, 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 यानी सब कितनी कितनी हो गई, 2 2 हो गई। हमसे क्या पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच। अब हर छोटे स्मॉल स्क्वायर्स का, ये छोटा है, ये छोटा है, देखो ये वाला छोटा है, ये सारे छोटे हैं, तो इसकी क्या है साइड क्या है 2 है, और स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती है, तो हमें एक साइड पता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ए स्क्वायर एरिया क्या बन जाएगा 2 into 2 इज इक्वल टू 4, यानी एरिया क्या बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे समझा करो, देखो एक ये पूरा है, इसकी सारी साइड चार चार है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। अब इसको काटा गया है चार छोटे छोटे में, चार ऐसे चार अलग से छोटे छोटे बना दिए इसके, ठीक है। अब ये पूरा चार था, इसमें से ऐसे काट दिए तो ये दो दो नहीं हो गई, ये दो हो गई, ये दो हो गई, सारी क्या दो दो हो गई। इसका एरिया पूछा है टू इंटू टू फोर, मतलब साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर होता है ना, टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर। आई बात समझ में, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ रहा है समझ में? ये वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है 48 और 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड है जो, वो इसकी लेंथ के 2/3 है, यानी 2/3 पार्ट है। क्या करना है फिर हमें? सम ऑफ देयर एरियाज, उन सबके, इन दोनों के, स्क्वायर के एरिया का और रेक्टेंगल के एरिया का सम बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? चलो करो, स्टार्ट करो। तुम्हें क्या पता है सब कुछ, सारे फॉर्मूले पता है तुम्हें, पता है ना? लेंथ एंड ब्रेड्थ यहां से देखो अच्छे से। देखो लेंथ दी है, कितनी है लेंथ? 48, ठीक है। ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है 21 सेंटीमीटर लगा लो भाई। फिर क्या है लेंथ? द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा पहले इसका एरिया निकाल लो ना, पहले इसका एरिया निकाल लो। रेक्टेंगल है ये, क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, क्या आया? एल इंटू बी, यानी 48 इंटू में 21 कितना आ रहा है? करना भी जरा मल्टीप्लाई जल्दी से, 48 इंटू 21 करो तुम, पहले करो हमें। 48 96 8 6 10 1008 आ रहा है, 1008 क्या आ रहा है बच्चों? 10 इतना ही आ रहा तुम्हारा भी, देखो जल्दी से करके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, इसकी जो एक साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है जो, उसकी साइड है 2/3 है लेंथ के। अब ये है मान लो स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है? 2/3 है लेंथ के। लेंथ कितनी है यहाँ पे? 48। लेंथ कितनी है बच्चों? 48, 3 से काट दो 16, यानी 32। साइड कितनी हो गई, यानी साइड कितनी हो गई? 32। अब इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया यही होता है ना, साइड का स्क्वायर। इसका मतलब 32 × 32 क्या आ रहा है? 32 का स्क्वायर। करना भी जल्दी से मल्टीप्लाई करके, देखो 2 × 4 3 × 6 3 × 6 3 × 9 4 6 6 12 1024 यही आ रहा है ना भाई, 1024। आई बात समझ में यहां तक? अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों का हमें क्या बता दो, तुम सम बता दो, द सम ऑफ देयर एरियाज, योग बताना इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है। इसका क्या है? 1008, ध्यान से देखना। उसका क्या है? 1024, 8 × 4 12 2 3 0 2 2032 2032 है कहीं ऑप्शन में? ये रहा फोर्थ आंसर, क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, हाँ वो ऑप्शन। आगे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, देखो दोबारा से देख लो एक बार। लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है हमें रेक्टेंगल की, एरिया निकाल दो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बहुत सिंपल है, ठीक है। तुम्हें एरिया का फॉर्मूला बताइए आप। उसके बाद क्या हमें बोला हुआ है कि जो स्क्वायर की साइड है वो 2/3 है रेक्टेंगल की लेंथ के। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल की लेंथ के 2/3 करके उसकी साइड निकाल ली। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर होता है। एरिया क्या है? 1024, इसका क्या था? 1008। दोनों को प्लस कर दिया, यही हमसे पूछा है, दोनों का योग भी तो पूछा है। चले हम आगे। हाँ भाई बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ रहे समझ में यहां तक? चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में, टेंशन मत लो, यही है ना नेक्स्ट? हाँ भाई यही है। If one small square in the grid is area of all square units, what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid? अच्छा देखो, ये तुम्हें डार्क डार्क सा दिख रहा है ना, दिख रहा है डार्क डार्क सा, ये जो पीछे डार्क सा दिख रहा है, इसी का एरिया निकालना है हमें। ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसी का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? छोटा स्क्वायर, वन स्मॉल स्क्वायर, एक छोटे स्क्वायर का क्या है? चार है। एरिया क्या है? चार है।
इसका क्या है चार है, इसका क्या है चार है, इन सब इसका तीन ही तो है, क्या है चार चार है, ठीक है। बट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब जो इन्होंने स्क्वायर से ऐसे कर करके रेक्टेंगल बना दिया है उसका पेरीमीटर बताना है। उसको क्या बताना है बच्चों, पेरीमीटर बताना है। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देख लो, एक छोटे स्क्वायर का क्या है एरिया चार है, यानी एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी वो क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है इसमें चार, ए की वैल्यू क्या हो गई टू, यानी साइड क्या है टू। इसका मतलब इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है भाई छोटी छोटी, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी साइड क्या है टू टू है। आई बात समझ में, यहां तक ध्यान से देखो, सारी साइड क्या है टू टू है, तो सारी साइड टू है। रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है जोड़ दो, ये पूरी लेंथ है दो दो चार और दो छह, यानी लेंथ कितनी है सिक्स, और क्या है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, पेरीमीटर पूछा है क्या, पेरीमीटर पूछा बच्चों, एरिया नहीं पूछा, पेरीमीटर पूछा है। टू एल प्लस बी इसमें रखेंगे, लेंथ क्या है सिक्स और वो क्या है ब्रेड्थ दो और दो चार, ब्रेड्थ क्या है चार, तो टू एल प्लस बी चार चार, गलत तो नहीं आ रहा है कहीं से, दो और दो चार और दो छह और दो और दो चार, ये तीन ही है ना, चार चार है, ये बताते नहीं है कुछ भी, देखो यहाँ तो चार है, नजदीक से दिखाई नहीं देता भाई, चार है ये, ठीक है। तो ये टू 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 टू, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई दो दो चार दो छह दो आठ हो गई, ठीक है, और ब्रेथ क्या हो गई फोर हो गई। तो रख दो फॉर्मूले में, टू एट प्लस फोर यानी टू इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। आई बात समझ में, आई यानी 24 है इसका राइट आंसर, ठीक है। 24 क्या है 24 यूनिट्स। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है तभी सॉल्व करोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को। ध्यान से देखो, ये हमें एक रेक्टेंगल बना दिया गया छोटे छोटे उसका, और छोटे छोटे स्क्वायर का एरिया दिया, एरिया दिया तो हम साइड को निकाल लेंगे, एक साइड निकल गई तो रेक्टेंगल पूरा कितने में बन रहा है, कितनी उनसे बन रहा है स्क्वायर से, स्क्वायर की एक साइड दो है, चारों की कितनी होगी आठ होगी, ब्रेड्थ कितनी है चार, फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। आई बात समझ में आता है, बढ़िया आगे चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड। ऐसे क्वेश्चन के दो फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से याद करना। क्या बोला है कि एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो कितने टाइम यदि वर्ग की भुजा को डबल कर दिया जाए, यदि स्क्वायर की जो साइड है उसको डबल कर दे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एक सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे भाई, अगर पेरीमीटर को, अगर साइड को डबल करते हैं तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। इफ, ध्यान रखो, इफ साइड इज डबल, इफ साइड इज डबल्ड स्क्वायर की हो रेक्टेंगल की हो, इफ साइड इज डबल्ड पेरीमीटर विल बी डबल, पेरीमीटर इज डबल्ड, पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंपल लगा दो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। ये तो था हमने यहाँ पे सीखा, इसमें कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक पॉइंट तो ये था भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अगर यहाँ पे होता एरिया, इफ साइड इज डबल, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ ना, तो एरिया क्या हो जाएगा अगर साइड डबल की जाती है, तो पहला पॉइंट है कि पेरीमीटर डबल हो जाएगा अगर साइड डबल की जाती है, जो एरिया है, और जो एरिया है वो हो जाएगा फोर टाइम्स, एरिया कितना हो जाएगा फोर टाइम्स, एरिया चार गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुमसे पूछ लिया था कि एरिया क्या होगा, तो वो क्या हो जाता, चार गुना हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, साइड पूछी है, साइड डबल हुई है तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, पेरीमीटर पूछा है ना, और एरिया पूछा होता तो चार गुना हो जाता, पेरीमीटर पूछा है तो डबल हो जाएगा, करके देख लो।
चलो करके देख लो। ये तो एक वो था, इसको तो याद रखना, डायरेक्ट लगा दो भाई। अब इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, जिनको ये क्या पता ये वाली बात याद ना रहे, इसमें कंफ्यूजन हो जाए। इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है वैसे, लेकिन फिर भी देख लो। स्क्वायर की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं साइड को डबल कर दूं, दूसरे में साइड को क्या कर दूं, 10 × 20 कर दूं, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर आएगा ना। चलो पहले एरिया की बता देती हूँ, एरिया देख लेना तुम कैसे आ रहा, 4 गुना। पहले एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, 20 × 20 क्या हो गया, 400, तो 4 गुना हो गया ना। पहले 100 था, अब 400 हो गया, तो एरिया क्या हो गया, 4 गुना हो गया। एरिया की पता चल गई, एरिया 4 गुना हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहां तक पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a होता है, यानी 4 × 10 क्या हो गया, 40। अगर साइड को डबल कर दू, साइड को डबल कर दू, यानी 10 × 2 = 20 कर दू, तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा बच्चों, 4 × 20 = 80, क्या बन जाएगा, 80। तो ये क्या हुआ, दुगना हुआ ना, दोगुना हो गया, 40 × 2 = 80, यानी 2 times हो गया। आई बात समझ में, वैसे करके देख लेना इस वाले मेथड से, अगर किसी को डायरेक्ट याद ना रहे तो, ठीक है। पेरीमीटर हो जाएगा डबल, साइड जितनी बार की जाएगी पेरीमीटर उतना ही हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा उससे डबल, ठीक है। एरिया 4 गुना हो जाएगा, पेरीमीटर 2 गुना ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सारे के सारे, मतलब हेर फेर के, पिछले 10 साल के सब 10 साल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्या करते हैं कि हर बार ऐसे ही क्वेश्चंस को डाल देते हैं, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल, रेक्टेंगल की लेंथ एल है, विड्थ हाफ है इसकी लेंथ की, जो इसकी आयत है, एक आयत की लंबाई एल है, और उसकी जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की हाफ है, आधी है। आयत की परिधि क्या होगी, यानी व्हाट इज द पेरीमीटर, परिमाप, एक तरीके से परिधि परिमाप एक ही बात है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा, यदि चौड़ाई को रेक्टेंगल, चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। ब्रेड्थ को वही रखना है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ ही रहेगी, विड्थ विड्थ ही रहेगी, लेकिन लंबाई जो लेंथ है उसको डबल कर दिया जाएगा। चलो करें आगे क्वेश्चन, तो इस पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाँ भाई कैसे करोगे, जल्दी से निकालना स्टार्ट कर दो अब इसको, कौन सबसे पहले निकाल के मुझे बताएगा। देखो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, एल है, स्मॉल एल, और विड्थ क्या है, यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ विड्थ एक ही बात होती है भाई, ब्रेड्थ है हाफ, यानी एल बाई टू है। आ रही यहां तक बात समझ में, ठीक है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, इफ द लेंथ इज डबल्ड कीपिंग द विड्थ, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, यानी लेंथ को अगर 2l बना दिया जाए, तो हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b, यानी 2l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2l, b की वैल्यू क्या है, l by 2। आ रही यहां तक बात समझ में सभी को, ये क्या हो जाएगा, 2×2 = 4l प्लस में इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 2l/2, इससे कैंसिल, यानी क्या बचा, 4l + l = 5l, क्या बचा, 5l। देख लो अच्छे से कैसे किया है, आ रही है समझ में यहां तक सभी को। देखो लेंथ थी l और ब्रेड थी उसकी, हमने सिर्फ फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है, फॉर्मूले में रख के हमारा आंसर क्या आ गया, 5l आ रहा है, कहीं ये रहा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आगे भी समझ में यहां तक, ये मत घबराना कि लेंथ को एल दे दिया, ब्रेड्थ को बी दे दिया, क्या हुआ तो दे दिया, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, सिर्फ वही आना चाहिए। आई बात समझ में यहां तक, अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए रोम्बस हैज डायगोनल्स ऑफ लेंथ 8 and 6 centimeter, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस दिया हुआ है भाई, रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस का क्या दिया हुआ है हमें, डायगोनल दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल यानी विकर्ण दिए हुए हैं,
और क्या करना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। देखो मैंने तुम्हें उसका फॉर्मूला बताया था, रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है, वो तो तुम्हें पता है। लेकिन सबसे पहले हमें जो जो दिया उसको लिख लो। d1 यानी डायगोनल 1 क्या दिया है 8, d2 यानी डायगोनल 2 दिया है 6, ठीक है। साइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइड निकालने का, डायगोनल की साइड निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, साइड हाफ d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। याद रखना इस वाले फॉर्मूले को, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। क्या होता है फॉर्मूला, साइड का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब तो मैं साइड निकालनी है, तो उसके लिए d1 की वैल्यू पता है 8 का स्क्वायर, d2 की पता है 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना अंडर रूट में, अंडर रूट में 100 यानी हाफ इंटू में 10, 2 से 5 यानी साइड क्या आ गई भाई, साइड की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है पेरीमीटर, निकालना क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, रख दो 4 इंटू में साइड 20 सेंटीमीटर, क्या होता है 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, यहां तक सभी को कैसे करना है, आ रही है या नहीं? हाँ देखो डायगोनल दी हुई है, इस वाले फॉर्मूला को याद रखना, साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, ठीक है, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, हाफ अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूले को रख दो, उससे साइड निकल जाएगी और पेरीमीटर का तुम्हें पता ही है क्या होता है, क्या होता है रोम्बस का पेरीमीटर, हाँ भाई क्या होता है 4a, यानी सारी सारी साइड इक्वल होती है ना उसकी, उसकी तरह स्क्वायर की तरह। चलो बढ़े हो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फिगर कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के 5 स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है, फिर क्या बोला है इसका, वो दिया है एरिया इन सब का क्या है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, कितना इजी है देखो, पेरीमीटर निकालना है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सोचो कैसे, देखो 5 है ना ये, तो हमें क्या दिया है 5 स्क्वायर है, 5 का ही तो निकालेंगे, 5a² = 180, ये हमें दिया है, इसका एरिया इक्वल है, यहां से हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर 180 अपॉन में 5, 5 * 15, 5 * 6 = 30, यानी यहां से हमारी 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब परिमाप निकालना है, यानी इसके जो चारों साइड है ना ये सारी साइड का सम, ये निकालना है, तो एक साइड आ गई 6, यानी ये भी 6 है, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई 12, यानी 12 * 6 क्या हो गया 72, 12 * 6 क्या हो गया 72। आई बात समझ में, 12 * 6 क्या हो गया 72 सेंटीमीटर, क्या है भाई इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा 72 सेंटीमीटर। देखो 5 दिया है ना, मैं 1 2 3 4 5, तो पांचों का ये तो एरिया होगा ना, ये 180 दिया है, पांचों का एरिया 180 है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से साइड निकाली, जब हमें एरिया दिया हुआ है तो हम साइड आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने एक साइड निकाल ली, ए की वैल्यू 6 आ गई। अब परिमाप क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, तो ये 5 है सारी, एक साइड हमें पता है 6 है, सारी साइड्स का सम कर देंगे, क्या आ गया आंसर 72। आई बात समझ में, आंसर क्या आ गया 72, ठीक है भाई, बढ़े हम आगे, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द सॉलिड एंड शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्यूब पता है ना, क्यूबिकल ब्लॉक्स क्यूब करवाऊंगे आगे वॉल्यूम में, फिलहाल यही देख लो, तुम्हें पता होगा क्यूब क्या होता है, इसकी जो हर एक साइड है ना वो 1 1 सेंटीमीटर है, हर साइड क्या है बच्चों 1 1 सेंटीमीटर है, यानी हर एक साइड
एक सेंटीमीटर का एक होल आ रही है, हमें निकालना क्या है इसमें, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूछा है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, इसमें कितने हैं पूरे पांच, देखो यहां से देखो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच ही होंगे, पांच ही है, यानी एक में पूरे कितने हो गए पंद्रह, एक में पूरे कितने हो गए पंद्रह हो गए, ये वाला 15। अब जो ये वाला है, ये वाला भी 15, ये तो ये वाला हुआ ना पूरा, ये वाला भी 15 है, ठीक है, ये वाला भी 15 है, और ये वाले इस वाले में भी 15 होंगे, तो कितने हो गए 15 15 15 15 15 चौका 60, 15 फोर जा 60, 15 फोर जा 60। आई बात समझ में, कैसे काउंट करके देखो, ये क्यूब ही तो है, ये सारा जो एक डिब्बा तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ से आ तक, ये एक पूरा क्यूब है, हर और हर एक का हमें बता हुआ है कि हर एक की साइड है एक सेंटीमीटर, तो एक एक करके कितने हो गए 15 हो गए, ऐसे 15 फिर 15 इस लाइन में, 15 इस लाइन में, 15 इस लाइन में, तो आंसर क्या है 60, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में आ तक कि ऐसे को कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, चलो बढ़ते हैं आगे, बड़े भाई आगे या ना बड़े यही रहोगे, इसी को देखते रहोगे इस फिगर को ही, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 24, दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग है उनका, हमें क्या दिया है परिमाप दिया है, ठीक है, एक का 12 है एक का 24 है, तो हमें हम क्या बताना है कि जो बड़ा वर्ग है उसका एरिया छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है, कितना गुना है, कितना छोटा है, कुछ भी बताना है, ठीक है, जो भी पूछा है। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या निकालो, एरिया बताना है ना, एरिया निकाल लो, पेरीमीटर पता है तो तुम एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो, एरिया और पेरीमीटर को हमेशा साथ में क्यों करवाया जाता है बोलो, क्योंकि एक साथ ही दोनों से मिला के क्वेश्चन आता है और दोनों इंटररिलेटेड हैं, इसका पेरीमीटर निकल गया उसका एरिया भी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, पहले का यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट फर्स्ट स्फीयर है उसका क्या है 12 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 ही होता है, तुम्हें पता है, ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3, ठीक है, यानी पहले की ए की वैल्यू आ गई 3। दूसरे की बात करूंगा फिर मैं, दूसरे की बात करो, दूसरे का क्या है 24, 4a इज इक्वल टू 24, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/4, क्या आ गई यहां से 6, क्या आ गई भाई ए की वैल्यू 6 आ गई, यहां से ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है। पूछा क्या द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर, अब क्या ये तो पेरीमीटर था, ये तो पेरीमीटर था, एरिया निकाल दो, पहले का एरिया क्या होगा, पहले का एरिया क्या होगा ए का स्क्वायर यानी 9, और दूसरे का क्या होगा 6 का स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक का 9 है, एक का 9 है बच्चों, और दूसरे का 36 है, कितने गुना है, कितने गुना है 4 गुना, कितने गुना है 4 गुना, क्या है आंसर 4 टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन सी थी तो मैं समझना था कि कैसे करना कैसे, ठीक है। आ रही बात समझ में यहां तक सभी को, चले और आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट है, इन दिस फिगर साइड ऑफ ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर की जो साइड है वो एक एक सेंटीमीटर है, हर स्क्वायर की जो साइड है वो एक एक सेंटीमीटर है, ध्यान से पढ़ लेना पहले क्वेश्चन को, ठीक है। फिर द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, शेडेड पार्ट का निकालना है हमें, जो ध्यान से देखना है, ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है इसका निकालना है हमें। आ रही बात समझ में, तुम्हें शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, अपने इसमें बना लो इसको कॉपी में, फिर निकालो इसको कैसे निकालोगे, देखो इस शेडेड पार्ट का ही निकालना है सिर्फ, कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें हर एक की भुजा जो एक सेंटीमीटर है, यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सारी एक एक सेंटीमीटर, ठीक है, इतना पता है। अब अगर मैं इसको, हमने ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है,
इसकी ये वाला बे हाइट क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, एक दो तीन, यानी इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, तीन। और बेस देखो, बेस ये होगा, बेस ये होता है, कितने स्क्वायर आ रहे हैं इसके बेस में, एक दो तीन चार, यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई, बेस की वैल्यू फोर। इसका निकाल दो, हाफ इंटू में थ्री इंटू में फोर, क्या आ गया, दो से काट दो छह, इसका क्या आ गया सिक्स आ गया। आ रही बात समझ में। अब इसका निकाल दो, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट कितनी है, दो स्क्वायर आ रहे हैं ना, एक ये में है एक में, यानी ये कितनी है दो, और बेस वही है चार है, बेस क्या है चार है, तो इसके निकाल दो हाफ इंटू में टू इंटू में फोर, ठीक है, फोर इंटू टू कर लो, कुछ भी कर लो, हाइट पहले लिख लो, कोई बात नहीं, दो से दो, ये क्या हो गया फोर, यानी दोनों फिगर जो शेडेड पार्ट है वह एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, हमने दोनों का एरिया निकाल लिया, यानी शेडेड पार्ट का एरिया क्या आया, एक का छह है एक का चार है भाई, एक का छह है एक का चार है, दोनों को प्लस कर दो, सिक्स प्लस फोर क्या हो गया टेन, क्या है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है ये मत सोचना, बिल्कुल आया हुआ है एग्जैक्ट, तुम देख लेना पेपर उठा के, ठीक है, कैसे निकालोगे, शेडेड पार्ट का तो निकालना है, ये क्या हो गई पूरी, ये क्या हो गई पूरी, तीन हो गई, ये पूरा चार है, ये दो है, ये चार है, हमें फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। आई बात समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनू वांट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ हर हाउस विच इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग साइजेस टाइल मेजरमेंट शुड वाइज, अच्छा रेनू क्या कर रही है, 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के लिए फर्श पर टाइल लगाना चाहती है वो, भाई जैसे सभी चाहते हैं कि अपने कमरे में अपने रूम में अच्छी अच्छी सी टाइल लगवाए, ठीक है, तुम भी चाहते हो, तो वो क्या करती है, साइज वो करती है, डिसाइड करती है कि कौन सी साइज की टाइल मैं लूं कि जिससे कि टाइल है ना काटनी ना पड़े, काटे बगैर भर जाए, काटे बगैर पूरी लग जाए। ऐसे क्वेश्चन के लिए छोटा सा तुम अंडरस्टैंडिंग वो कर सकते हो, देखो कैसे क्या है साइज, ऑप्शन से देख सकते हो इनको, 9 मीटर लॉन्ग है यानी 9 बाई 7, 9 × 7 मीटर की लगानी है, ठीक है, कैसे करोगे, पहला ऑप्शन देखो 35 × 35, 7 से ये तो कट रहा है लेकिन 9 वाली जो टाइल है वो तो नहीं जाएगी पूरी तरह डिवाइड, वो तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा देख लो 40 × 65, इससे कोई सा भी नहीं कट रहा, ना तो 40 ना ही 65, कोई सा भी नहीं कट रहा। तीसरा ऑप्शन देखो 55 × 40, कैंसिल हो रहा है, दोनों नंबर से होना चाहिए, दो ऐसे साइज होंगे जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होंगे, ये भी नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है 35 × 45, ये हो रहा है, दिख रहा है ना, 7 × 5 = 33, 9 × 5 = 45, यानी कोई सी भी काटनी नहीं पड़ेगी, पूरे पूरे साइज यानी पूरे नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं, इसकी एक ट्रिक सी लगा सकते हो, जो पूरे नंबर इन दो ऐसे ऐसे डिवाइड होंगे ना, वही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 35 × 45। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम सिर्फ ऐसे पहचान के कर सकते हो ऑप्शन से। आई बात समझ में, कि उसको काटनी ना पड़े, तो उसको काटनी तो जब ही नहीं पड़ेगी ना, जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, टाइल का जो एरिया होगा पूरी तरह जो साइज उसने लिया उनसे डिवाइड हो जाएगा, जब तो काटना नहीं पड़ेगा। अब पहली वाली में से ये 35 है, ये भी 35, एक तो फिट हो जाएगी 7 वाली, लेकिन 9 वाली नहीं होगी, 9 वाली नहीं होगी। आई बात समझ में, आ रही हूं उधर, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times दैट ऑफ ए स्क्वायर, रेक्टेंगल की लेंथ है वो स्क्वायर की दोगुनी है, जिसका पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर जिसके सामने यहाँ पे हुज लिखा है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कभी किया करो तो क्या होगा, जिसके सामने हुज लिखा है वो उसकी उसके बारे में बात कर रहा है, हुज पेरीमीटर यानी स्क्वायर का, स्क्वायर के बाद आया है ना हुज, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी है, तो पूछी है कि रेक्टेंगुलर एरिया के स्क्वायर में कितना डिफरेंस है, एक तरीके से वो कितना ज्यादा है उससे, ठीक है, निकालो कैसे करोगे, करो जल्दी से। सबसे पहले क्या दिया है, स्टेप बाय स्टेप चला करो, पेरीमीटर दिया है 80, किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है,
480, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई 20। अब बोला है इसकी जो लेंथ है वो दोगुनी है स्क्वायर के पेरीमीटर की, ठीक है। लेंथ है जो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times दैट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। यानी लेंथ क्या हो गई रेक्टेंगल की, 2 times 2 into 20 क्या हो गई 40 हो गई, क्या हो गए बच्चों 40 हो गए। ब्रेड्थ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 20 centimeter, लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई, इसका एरिया निकाल दो 40। इसका एरिया कैसे निकालोगे 40 into 20, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ गया 800, क्या आ गया एरिया 800 centimeter square। दिख रहा है यहां से सभी को क्या आ गया एरिया 800 centimeter square। और हमें किसका निकाल लो, उसका स्क्वायर का एरिया निकाल लो, स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या है 20, 20 इंटू 20 क्या होता है 400, ये 400 है वो 800 आया है, ये 400 है वो 800 आया है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 400, कितना ज्यादा है 400, 400 ही तो ज्यादा है भाई। स्क्वायर का आया है 400 और इसका आया है रेक्टेंगल का आया है 800, तो ज्यादा कितना हुआ 400 + 400 800 हुआ ना। कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में कोई, आगे समझ में सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट है, ए 1 centimeter लॉन्ग वायर इज फॉर्मड इनटू रेक्टेंगल, इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 centimeter, व्हाट इज इट्स लेंथ। एक 180 centimeter लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, यानी लंबी तार को आयत का रूप दिया गया, इसका मतलब क्या, ये क्या है इसका पेरीमीटर, ये क्या है इसका परिवाह। 180 क्या है इसका, रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ये दिया है 180। पहचानोगे कैसे, तुम्हें दिख रहा है लंबी तार है, उस तार को 180 सेंटीमीटर का रूप दिया है, यानी और सेंटीमीटर से भी वैल्यू से भी पहचान सकते हो, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा और सिर्फ सेंटीमीटर है तो वो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। यानी 2l + b = 180। अब क्या यहां से निकाल लो, l भी दी है तुम्हें आयत की चौड़ाई, यानी ब्रेड्थ की वैल्यू दी है 2l + ब्रेड्थ की कितनी है 30 = 180। निकाल लो यहां से 2l, 2 को इधर ही ले जाओ ना डायरेक्ट, l + 30, 2 से ऐड कर दो 180/2 क्या आ गया 90। लेंथ क्या आ गई यहाँ से 90 - 30 = 60, लेंथ क्या आ गई 90 - 30 = 60। अब हमारे पास पूछा क्या है, इसके लंबाई लेंथ ही तो पूछी है 60 है, लेंथ ही तो पूछी है 60 centimeter, ठीक है, लेंथ ही तो पूछी थी। आगे बात समझ में, यहाँ से कैसे करना है देखो, एक 180 centimeter लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शेप में इसको दे दिया गया है, यहाँ पे एक तार को ऐसे 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 करके रेक्टेंगल, तो उसका परिमाप ही तो होगा, उसका परिमाप ही होगा ना। आई बात समझ में यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, एक ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ट्रेपेजियम की आपको पता है 2 sides पैरेलल होती है, एंड द रेशियो ऑफ पी क्यू टू एस आर इज 3:2, रेशियो दे रखा है हमें, यानी उनका अनुपात दे रखा है 3:2। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 centimeter square, अगर एरिया है उसका, एरिया भी दे रखा है, मैंने आपको भी बताया था क्या फॉर्मूला होता है, बताया था ना भाई फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये एक ट्रेपेजियम है, ये क्या है एक ट्रेपेजियम, और ये बात समझ में आता, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू लगा लो, ये एस आर लगा लो, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इनका रेशियो दे रखा है और एरिया दे रखा है, ठीक है। जैसे फैसे फिगर बताया मैंने तुम्हें, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 × sum of parallel sides, बताया था ना, 1/2 × sum of parallel sides, 1/2 × height। आगे चले, अब एरिया की वैल्यू तुम्हें दी है, इसको इरेज कर देती हूँ, तुम्हें पता चलेगा ट्रेपेजियम बना के दिखाया था सिर्फ, एरिया की वैल्यू तुम्हें दी है कितना है 480, ठीक है। उसके बाद क्या है रेशियो 3:2, क्या मान लेते हैं हम इसको,
हाफ इंटू ये दोनों पैरेलल साइड्स का रेशियो है, तो क्या मैं इसको 3x प्लस 2x ऐसे मान सकती हूँ? x क्या है? x वो वैल्यू है जो बाद में हमें बताएगी रेशियोज में क्या करते हैं, ऐसे कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि यानी वो ये x है ना वही नंबर है जो हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटू में हाइट, हाइट भी दी है, डिस्टेंस दी है हमें पी क्यू और एस आर के बीच में 12, आई बात समझ में आया तक? डिस्टेंस क्या दी है 12। देखो फॉर्मूले को रेज कर रही हूँ, करो 480 बाय 2, 2 को यहाँ ले जाओ, 480 इंटू 2 हो जाएगा। सॉल्व करो तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमारे पास साइड्स की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि रेशियो है वो, ठीक है। 3x प्लस 2x क्या हो गया 5x इंटू में 12, 480 इंटू में 2 करो सॉल्व जल्दी से, ये क्या हो जाएगा 60x। यहाँ से हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, निकाल दो 480 इंटू में 2 अपॉन में 60 इज इक्वल टू x, करो कैंसिल 0 0 8 8 16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16। अब ये जो रेशो है 3:2, हमने क्या माना था 3x 2x, यानी अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो रख दो एक साइड आ गई 48, एक साइड आ गई 32। तो पूछा क्या है लेंथ ऑफ एस आर, एस आर का रेशो क्या था 2, तो जो एस आर वाली साइड है वो क्या होगी 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। आई बात समझ में? सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना, ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन पेपर 2 में जरूर आता है, ठीक है। पेपर 2 में कहां से आता है? ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं रेशो दिया हुआ था, हमने क्या मान लिया रेशोस को, एक्स एक वैल्यू मान ली हमने जो बाद में जो हमें निकालनी है, एक तरीके से जो रेशो होता है वो नंबर्स का ही तो रेशो होता है। अब हमें एग्जैक्ट वो नंबर तो पता नहीं होता, इसलिए उस नंबर को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो क्या मान लिया 3x plus 2x by 2 into my distance भी दी है 12, formula में रख दिया x की value 16 आ गई, यहाँ से value रख के answer क्या आ गया 32 centimeter। चले भाई आगे, चलो next question देखते हैं। Next है the area of a trapezium is 105 centimeter square, एक trapezium का area क्या है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, हाइट दे रखी है, एक साइड दे रखी है, एक मेरी दे रखी। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, अगर एक एक्स है तो दूसरी क्या है एक्स प्लस 6 है, देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड की लेंथ बतानी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? ट्रेपेजियम के क्वेश्चन के नाम से घबराया मत करो। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एरिया क्या है 105, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या, पहले देख लो क्वेश्चन में दिया क्या है कि पैरेलल साइड में से एक बड़ी है दूसरी से 6, मान लो हमने एक साइड मान ली x, तो दूसरी क्या हो गई x प्लस 6 हो गई ना, क्योंकि दूसरी उससे 6 बड़ी है, तो एक x मान ली, हमें पता तो है नहीं कौन सी है, एक x प्लस 6 है। तो हम क्या करेंगे, रख दो फॉर्मूले में एरिया दिया है 105 हाफ अपॉन में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस 6 इंटू में हाइट भी दी है 7, 105 इंटू में 2, करो जल्दी से सॉल्व। हाँ 2 तो ऊपर चला गया, x प्लस कितना बन गया 2x प्लस 6 इंटू में 7, 2x प्लस 6 इंटू में 7, 105 इंटू में 2, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जब इधर आओ तो काट देना, ठीक है। कर दो यहाँ पे कर दो 40x प्लस में 42, 105 इंटू 2 210 माइनस में 42 इधर ले आओ इज इक्वल टू 14x, आई बात समझ में, इज इक्वल टू 14x। 210 में से 42 गए तो यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 4 गए 6, 168 इज इक्वल टू 14x। देखना कैंसिल हो रहा है या नहीं भाई 14 से, ये देखो जल्दी से, सारी चीजें मुझ पर करवाते हो, 168 by 14 is equal to x, हो रहा है 14 1 जा 14 2 14 2 जाए वो 28, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 12। क्या पूछा है पहली साइड, यानी x की तो आ गई 12, हमसे पूछी है लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड जो बड़ी साइड है, यानी जो लंबी साइड थी वो तो x प्लस 6 थी, तो क्या कर दो 12 प्लस 6 क्या हो गया 18, यानी एक साइड तो है 12 और दूसरी क्या है 18, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। यहां तक क्लियर है सभी को?
आ रही है बात समझ में कि कैसे करना है यहाँ तक? ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में बहुत इजी आते हैं एकदम से, ठीक है? तो मैं सिर्फ क्या फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में एच, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। हाइट जो होती है उन डिस्टेंस के बीच में, उन लेंथ के बीच में जो साइड्स होती है उनकी जो लेंथ होती है बीच में डिस्टेंस, वो फॉर्मूला तो ट्रेपेजियम का सिर्फ पता होना चाहिए। बाकी ट्रेपेजियम के ऊपर क्वेश्चन काफी इजी आता है, जैसे रेशियो में दे दिया था, ऐसे दे दिया लॉन्गर साइड, कभी कभी डायरेक्ट भी दे देगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं सिर्फ। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से। फ्लोर क्या लिखा है, फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर इज टू बी कंप्लीटली कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। 10 मीटर लंबाई का एक कमरा है, वो पूरी तरह ढका हुआ है और हर टाइल की लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स कि सबसे कम टाइल्स कितनी चाहिएगी उसमें। देखो आपको पता है जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालते हैं, ऐसे नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फ्लोर यानी फर्श का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स यानी टाइल्स का एरिया। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है? इसी में से निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकालेंगे। फ्लोर का एरिया क्या होगा? एक जो रूम है, स्क्वायर रूम है, वो 10 मीटर्स का है, ठीक है? तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लो। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर टाइप है ना रूम, कमरा स्क्वायर टाइप है, वर्ग टाइप है, तो क्या होगा 10 × 10 क्या हो जाएगा 100 मीटर्स। लेकिन जो टाइल्स हैं वो तो सेंटीमीटर्स में है, टाइल्स तो सेंटीमीटर्स में है ना, तो इसलिए हमें मीटर्स को 100 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। तो 100 में गुना कर दो, कितने की करोगे? देखो 10 मीटर × 10 मीटर्स क्या हो गया, स्केल निकालेंगे 100 हो गया। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में यहां तक? और इसमें 100 में कितने होंगे? 100 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है? या फिर तुम ऐसा करो, यहां से ऐसा करो, इसको स्टार्टिंग से ही 10 मीटर को पहले ही सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 10 मीटर को पहले ही सेंटीमीटर में चेंज कर लो, फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, ठीक है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 मीटर में कितने इंटू में 100 कर दो, कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लो, इस वाले को सॉल्व कर दो, ये आपको पता चल गया कि फ्लोर का एरिया क्या होता है और नंबर ऑफ टाइल्स क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। देखो अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे फ्लोर का। फ्लोर के एरिया के लिए 1000 सेंटीमीटर में निकलेगा, तो 1000 × 1000 अपन में टाइल्स का एरिया कैसे निकलेगा? जो टाइल्स की लेंथ है उसका स्क्वायर 50 × 50 कैंसिल हो रहा है, 0 0 0 5 2 5 2 400 क्या गया भाई आंसर? 400 है कहीं, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई बात समझ में यहां तक? कैसे करना है देखो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, ठीक है? नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जितना फ्लोर का एरिया होगा जिस रूम में आप बैठे हुए हो फिलहाल, जितना उस फर्श का एरिया होगा अपॉन में जितनी टाइल उसमें बिछाओगे उनका एरिया, वो निकाल देंगे हम। अभी मीटर में दिया हुआ है और टाइल्स की लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उसको भी पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है? आई बात समझ में? वैसे भी होगा तो 10 मीटर में क्या 10 मीटर × 100 होता, ठीक है? 1 मीटर में 100 होते हैं तो 10 में कितने होंगे 1000, 1000 × 1000 सेम ऐसे ही होता। बट जब स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो पहले सेंटीमीटर में चेंज करके तब चलो। आ गया नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए
एक क्वेश्चन जरूर आता है। आई बात समझ में आता ये वाला क्वेश्चन? क्लियर अभी सबको? चले अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसके, बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ आ रहा है सब कुछ भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ठीक है? अब जितने भी आए हुए हैं सभी करवाने पड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। किसी स्क्वायर का हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है? और जो रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है उसी स्क्वायर की विड्थ के बराबर है। और क्या करना है? लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, जो उसकी वो है लेंथ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो उसकी डबल है स्क्वायर के, उसकी स्क्वायर की। द एरिया इन द स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल निकालो, रेक्टेंगल का एरिया बताना है हमें, रेक्टेंगल का द एरिया इन स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया बताना है। चलो कैसे करोगे? सबसे पहले तुम्हें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है यानी 4a is equal to 20। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई? 4a होता है। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 20 by 4 is equal to 5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इन रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल की ये तो बात हो गई हमारी। स्क्वायर की बच्चों अब बात करें रेक्टेंगल की। देखो रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की जो ब्रेड है वो क्या है? जो स्क्वायर की एक विड्थ है, स्क्वायर की क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो इसकी पांच 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 है वही क्या है? रेक्टेंगल की ब्रेड है। तो हमें रेक्टेंगल की ब्रेड पता चल गई। और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डबल है इसकी, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई? इसकी डबल, यानी इसमें इंटू में टू कर दो यानी 10। अब क्या बताना है? एरिया बताना है रेक्टेंगल का इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सही की बात है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड कर दो 10 इंटू में 5, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में यहां तक सभी को? क्लियर है ये वाला भाई? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? देखो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है ना सिर्फ उनको कर लो, ठीक है? स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, वहां से स्क्वायर की साइड निकल गई। फिर रेक्टेंगल के और उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो उनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं सिंपल। चले बड़े अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल, फास्ट फास्ट करवा रही हूँ। पेरीमीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर इक्वल। रेक्टेंगल का और उसका स्क्वायर का जो पेरीमीटर है परिमाप है दोनों इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो है 96 सेंटीमीटर और क्या है? आयत की चौड़ाई जो है वो स्क्वायर की एक साइड से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है? तो हमें जो आयत है यानी जो रेक्टेंगल है उसके क्षेत्रफल आएगा, जो उसका एरिया आएगा उसका डबल क्या होगा ये बताना है। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप निकाल लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई? 4a होता है, 96। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 24 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद क्या है? ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है कितनी है? 4 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड से, यानी इससे 4 कम है, यानी क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई भाई। इससे 4 कम है ना, 24 माइनस 4 करेंगे 20 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद क्या दिया है? देन लेंथ कैसे निकालोगे? जो इसका पेरीमीटर है स्क्वायर का वही रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l plus b is equal to 96। l plus b is equal to 96 by 2 कर दो 48 आ जाएगा। l की वैल्यू हमें निकालनी है, b की दी है 20 is equal to 48, तो लेंथ क्या आ गई? 28। अब लेंथ 28 है और ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या थी भाई? 20 कर दो, निकाल दो एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 28 इंटू में 20, 28 56, 560। आगे बात समझ में आ तक सभी को? पूछा क्या है कि इसका डबल क्या होगा? इसका डबल कर दो 560 इंटू में 2 क्या होगा? 0, 6 2 12, 5 2 10 11, 1120 क्या होगा? 1120 द राइट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले पेरीमीटर दिया है, साइड निकल गई, उससे ब्रेड्थ निकल गई, रिलेशन दिया है,
फिर जो दोनों का पेरीमीटर है वो सेम है, तो जो रेक्टेंगल का होगा वो स्क्वायर का होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ समझ के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व होते हैं। मैथ्स में यही होता है कि सिर्फ तुम्हें स्टेटमेंट समझनी है और सारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे हो जाता है। ऑरली भी कर सकते हो तुम ऐसे क्वेश्चन को जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 44 सेंटीमीटर है, और जो रेक्टेंगल है दोनों का जो वो है पेरीमीटर बराबर है, रेक्टेंगल का स्क्वायर का दोनों का बराबर है। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन दी, जैसे पिछले वाला था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। करो कैसे करोगे, सेम निकालो, तुम निकालो भाई पहले इसको, फिर बताऊंगी मैं बाद में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, किसके इक्वल है 44, ए की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। आई बात समझ में यहां तक, फिर क्या है दोनों के इक्वल है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर ज्यादा है स्क्वायर की साइड से, यानी 11 में 5 जोड़ दो क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब दोनों के इक्वल है पेरीमीटर, तो इसी से इसकी क्या निकाल लो, ब्रेड्थ निकाल लो, एल प्लस बी इज इक्वल टू 22, एल की वैल्यू 16 है, बी की निकालनी है 22, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6, बी की वैल्यू 22 में से 16 गई तो क्या आएगा 6। अब एरिया निकाल लो, एरिया पूछा था सम ऑफ एरियाज, दोनों का एरिया पूछा है, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा 11 का स्क्वायर, यानी मैंने आपको बताया था कि सबको स्क्वायर याद करने हैं कम से कम 25 तक के, आपको पता होता तो एग्जाम से इजीली यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल का निकाल लो, लेंथ इनटू में ब्रेथ, 6 इनटू में 16 क्या आ गया 96, दोनों का क्या करना है योग बताना है, प्लस करना है 121 प्लस में 96 क्या आ गया 6 और 1 7, 9 और 2 11, 1 और 1 2 217 है, कहीं 217 फोर्थ इज द राइट आंसर। आई बात समझ में यहां तक सभी को, क्लियर है वाला क्वेश्चन, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलना है जैसे प्रीवियस ईयर में हम जितने पिछले वाले क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब में जैसे चले हैं ऐसे ही चलना है। आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू। अच्छा हमने क्या किया इस वाली सीरीज में, इस सेशन में हमने पढ़ा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एरिया और पेरीमीटर, पेपर वन में भी पेपर टू में भी, पेपर टू में ज्यादातर किससे पूछा जाता है ट्रेपेजियम वगैरह का एरिया पेरीमीटर के से रिलेटेड पूछ लेते हैं, रोम्बस का या उसका, लेकिन पेपर वन में हमेशा स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये इस वाला सेशन पसंद आया होगा और आप अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू विल लाइक द वीडियो।